दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रेपी इन माइंड इन हिंदी में। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का कुछ इम्पोर्टेंट वो मज़ेदार सवाल लेके आया हूँ, साथ ही उसका आंसर भी बताऊंगा। लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले यदि आपको उनका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। तो आपका पहली सवाल है, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल किस देश के लोग चलाते हैं? ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश के लोग, यानी भारत देश के लोग जो है सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश के लोग रात में चाय पीते हैं? ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस देश के लोग। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह। पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? ए डीजीपी, बी डीआईजी, सी एएसआई, डी डीएसपी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस का सबसे बड़ा पद डीजीपी होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह। भारत के किस राज्य के लोग सबसे ज़्यादा फिल्म देखते हैं? ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी भारत के महाराष्ट्र राज्य के लोग सबसे ज़्यादा फिल्में देखते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर का वजन कितना था? ऑप्शन है ए 20 टन, बी 10 टन, सी 5 टन, डी 30 टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 टन, यानी कि दुनिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका वजन 30 टन था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह। भारत के किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य। भारत में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश में सोना सबसे सस्ता मिलता है? ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी लंदन, डी सऊदी अरब। सही जवाब हो जाएगा लंदन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश के लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं? ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी लंदन, डी जापान। तो सही जवाब हो जाएगा जापान। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गरीब का सेब किस फल को कहा जाता है? ऑप्शन है ए बैर, बी टमाटर, सी आम, डी अमरूद। तो सही जवाब हो जाएगा बैर, यानी गरीबों का सेब जो है बैर को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलो तक होता है? ऑप्शन है ए कलीगुला, बी रफलेसिया, सी चमेली, डी कमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रफलेसिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए हावड़ा रेलवे स्टेशन, बी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सी चेन्नई रेलवे स्टेशन, डी सियालदह रेलवे स्टेशन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा छत्रपति शिवाजी राव टर्मिनल, जो कि मुंबई में है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन है ए 10 साल, बी 22 साल, सी 20 साल, डी 15 साल। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो मेरे आंसर बताने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 साल। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान में कुल कितने राज्य हैं? ए 18 राज्य, बी 28 राज्य, सी 15 राज्य, डी 8 राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्य, यानी कि पाकिस्तान में कुल 8 राज्य हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? ऑप्शन है ए हिरण, बी सिंह, नीलगाय, डी हाथी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में अशोक चक्र में कितना तिलियां है? ऑप्शन है ए 22, बी 26, सी 23, डी 24।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 तिलियां, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में अशोक चक्र की तिलियां जो है वो 24 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे कवर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? ऑप्शन है ए 20, बी 13, सी 17, डी 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 भाषाएं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1 जुलाई 2017, बी 1 जून 2017, सी 12 जुलाई 2017, डी 1 जनवरी 2017। तो सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 2017। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जो है इस सवाल को कवर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सी है? ऑप्शन है ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी कलकत्ता हाई कोर्ट, सी चेन्नई हाई कोर्ट, डी मुंबई हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली शहर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1911, बी 1915, सी 1856, डी 1885। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी, यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि दिल्ली शहर की स्थापना कब हुई तो आप बोल सकते हैं 1911। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन है ए 9 दिनों तक, बी 18 दिनों तक, सी 20 दिनों तक, डी 28 दिनों तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 दिनों तक। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खाना कौन सा है? ऑप्शन है ए दाल चावल, बी खिचड़ी, सी बिरयानी, डी चावल चोखा। तो सही जवाब हो जाएगा खिचड़ी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वह कौन सी चीज है जिसे इंसान जितना भी खा लेता है पेट नहीं भरता है? तो सही जवाब हो जाएगा हवा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गूगल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1953, बी 1888, सी 1956, डी 1988। तो सही जवाब हो जाएगा 1988। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस तरीके का सवाल आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि गूगल की स्थापना कब हुई, तो आप जो है ये जवाब को दे सकते हैं 1988। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अजय देवगन की कुल संपत्ति कितनी है? ऑप्शन है ए $36 मिलियन, बी $32 मिलियन, सी $15 मिलियन, डी $12 मिलियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा $12 मिलियन। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुर्गी कितने दिनों में अंडा देती है? तो ऑप्शन है ए 30 दिन, बी 15 दिन, सी 10 दिन, डी निर्धारित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्धारित नहीं है। जी हाँ, यानी कि मुर्गी कब अंडा देगी इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश में फेसबुक चलाना जुर्म है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इंडोनेशिया, सी वेटिकन, डी चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन देश में। जी हाँ, चीन एक ऐसा देश है जहां फेसबुक चलाना जुर्म माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विश्व में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन है ए 1820 ईस्वी में, बी 1825 ईस्वी में, सी 1822 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1825 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है और इसे किसने बनवाया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जो कि 81 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है, और ये जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में सबसे पहले बिस्किट का निर्माण किस कंपनी ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में चौहान परिवार ने पहली बार भारत में बिस्किट कंपनी का निर्माण किया, जो कि पार्लेजी थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिर्फ सर के बाल ही क्यों झड़ता है, कोई और जगह का क्यों नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा सूरज की किरण सीधे हमारे सर पे पड़ता है, हमारे बाल सिर को ज्यादा गर्म होने से बचाता है,
और कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन अन्य जगह की तुलना में सिर तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए सिर्फ सिर के बाल ही झड़ते हैं और कहीं के नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप जो है रिपीट माइंड इन हिंदी में पहला दफ़ा विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटी का बटन होता है उसे भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।